यार कितना अच्छा लगता है ना जब सफर के दौरान कुछ नए दोस्त बन जाएं। एक्चुअली सफर का मजा दुगना हो जाता है, और जिंदगी के सफर में ना दोस्त बस चलते रहना चाहिए। हमें नहीं पता कब बादलों के पार एक अमेजिंग व्यू हमारा इंतजार कर रहा हो। सो गाइस, ये हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ से खलिया टॉप का ट्रैक स्टार्ट होता है। तो वो पीछे जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है खलिया द्वार, और यहाँ पे हमने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। यहाँ पे आप पार्किंग लगा सकते हो और उसका यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। प्लस यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और साथ ही साथ में एक छोटा सा इग्लू हाउस भी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अभी मैं चल के दिखाता हूँ आपको अगर वो खोलते हैं तो। और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप चाय पानी वगैरह कर सकते हो। तो हम लोग भी सुबह ब्रेकफास्ट करके चले थे, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ खा पी के निकलते हैं ट्रैक के लिए, ताकि ट्रैक आसानी से हो जाए। और साथ ही साथ में मैं थोड़ा टेंट वेंट का भी आपको जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। सील भाई कैसा लग रहा है इग्लू? अभी तो बाहर से अच्छा, पर अंदर रिनोवेशन चल रहा है इसमें काफी। हाँ, नहीं बन जाएगा तो सेक्सी लगेगा। नहीं हाँ, अगर आप लोग खुद की कैंपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे परमिशन लेनी होती है, और परमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे जो इग्नू हाउस में या फिर कोई लोकल से कॉन्टैक्ट करके, या फिर जो भी वहाँ पे चौकी है कॉन्टैक्ट करके, नीचे एक ऑफिस है वहाँ से परमिशन लेनी होती है, या फिर जो यहाँ पे कैंपिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं उनके ऑलरेडी टेंट वहाँ लगे होते हैं, तो आप वहाँ जाके उनको रेंट भी ले सकते हो। और वहीं पे कुछ 1200-1500 पर हेड के हिसाब से वो लोग खाना पीना और टेंट प्रोवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ में TRC का एक वो भी है, कॉटेज भी है, आप जाके वहाँ पे उसको भी बुक कर सकते हो। ऑनलाइन बुकिंग होती है, अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हो तो ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो हमारा प्लान ये है कि अभी वहीं जाके हम देखेंगे क्या सीन बनने वाला है। तो फिलहाल मैगी वगैरह हम खत्म करके सीधे निकलते हैं ट्रक की ओर। 40 रुपये की मैगी, 20 रुपये की चाय, और प्लस यहाँ राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह जी जरा से एक सेकंड आइए। तो ये हमारे राजेंद्र सिंह जी यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये बड़े काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब इन्होंने काफ़ी कोशिश करी हमारी परमिशन के लिए। हालांकि आज हमारी किस्मत सही नहीं रही, आज सेकंड सैटरडे है इसलिए परमिशन बन नहीं पा रही है। अगर आप लोगों को परमिशन लेनी होती है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे मुंशारी जाना पड़ेगा, मुंशारी में रेंजर कार्यालय में, वहाँ से परमिशन मानी पड़ेगी। उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है, बट आप जब वो परमिशन लेके यहाँ आएंगे गेट पे, तो यहाँ से आपको एंट्री के टाइम पे कुछ 250 रुपये सिंगल टेंट का, और ऐसे कुछ चार्जेस हैं यहाँ पे मोटा मोटा 250, 300, 400, 500 के अंदर आपको यहाँ पे परमिशन मिलेगी। तो उसके साथ वो चार्ज पड़ेगा ऊपर कैंपिंग का। सो गाइस, ये है वो ऑफिस जहाँ पे आपको ट्रैक करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और एक मिनिमल फीस पड़ती है 20 रुपये की ट्रैक जो भी ट्रैकिंग कर रहा है उसको। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको भाई साहब मिल जाएंगे जिनको मैंने अभी दिखाया था, वही यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। और ये भैया मिल जाएंगे हमारे, भैया नाम क्या वो आपका? बनी खत्री साहब मिल जाएंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ में आपको अगर आपको वहाँ पे कैंपिंग करनी है जो मैं बता रहा था चार्जेस वगैरह, तो यहाँ पे सारा सामान उपलब्ध है, मतलब आप रेंट पे ले सकते हो सारा सामान यहाँ से। और अगर आपके पास परमिशन है तो रेंट पे लेके ऊपर टेंट पिच कर सकते हो। तो अभी हमने फिलहाल, हमें परमिशन तो नहीं मिल पाई सेकंड सैटरडे की वजह से, बट हम जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर कुछ व्यवस्था मिल जाए तो। बाकी हमने 20 रुपये की पर्ची कटा ली है, हम जाते निकलते सर ट्रैक की। फिल भाई अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, होगा हुआ पूरा कंप्लीट होगा, 1 किलोमीटर हो गया, पहला रेस्ट है। पहला रेस्ट, झूठ तो कम बोलो कम से कम। फैल गए हो तुम यार, उठो चलो, फैलोगे ना ज़्यादा थकान लगेगी। हसीन वादी तो देखने आया, देखो कितनी हसीन वादी है ऊपर, 360 व्यू। अरे थक जाओगे, उठो चलो यार, आओ चलो आओ। ट्रैक स्टार्ट करती, थोड़ा सा स्टीप है, तो सील भाई का वेट कर रहा हूँ मैं। आओ दाजी आओ, माठू मठ आओ, इसका मतलब आओ दाजू आओ, मठू मठ आओ का मतलब ये लोकल लैंग्वेज है यहाँ की कुमाऊँ, इसका मतलब है कि भाई जी आओ, धीरे धीरे आओ, समझे? तो अगर आप उत्तराखंड में कहीं जाते हो और ऐसा बोलोगे आओ दाजू आओ, मठू मठ आओ, मठू मठ मतलब धीरे धीरे, दाजू मतलब बड़े भाई। और तो ये हमारी लोकल लैंग्वेज है, आप चाहो तो कभी उत्तराखंड में ट्राई करना, मज़ा आएगा। तो हम धीरे धीरे ट्रैक करते हुए बढ़ रहे हैं आगे की ओर, और मज़ा आ रहा है काफ़ी। ओए होए होए होए, वादिया जन्नत है भाई, जन्नत अपना उत्तराखंड सबसे बेस्ट। सब बेस्ट है यार। अभी फ़िलहाल सीन ये है कि हम लोग आराम से इसलिए चल रहे हैं बिकॉज हमारा भी स्टे का प्लान है वहाँ पे, तो कोशिश करेंगे कि वो जब भबरी तो नहीं गए हम, अच्छा यही तो है रास्ता। हाँ तो यहाँ वैसे गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो खड़ंचा दिख रहा है पत्थर का, इसी को अगर आप फॉलो करते करते जाएंगे तो आप सीधा उसी खलिया टॉप बुग्याल में पहुँच जाओगे, तो गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओए होए होए थक गए। बस अगर आपको ट्रैकिंग में दिक्कत है तो आप एक लकड़ी ज़रूर ले लेना, स्टिक ले लेना, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना। ये देख लो गाइस, इस तरह से भेड़ के ऊन निकाले जाते हैं। तो मुंशारी में जो है यहाँ का दन वगैरह ये वाला काम बहुत फेमस है, ये देखिए। तो ये हमारे जान जवान छोरे, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ये दिस चैनल। ये देखो माउंटेन व्हीलर, ये हुई ना बात, चलें फिर भाई। यो उठो उठो, हाँ हाँ हिटो पे। 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर 17। क्या बस, ऑल गुड,
सब ठीक है ना? चलते चलते तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया है, हमने 2 किलोमीटर से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों के बताना था कि अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा टाइम लेके आना, मतलब अगर आपको लगता है कि 2 घंटे में आप ट्रैक कर पाओगे तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके आना, बिकॉज स्टीप बहुत ज़्यादा है और रुक रुकते अगर आप आते हो तो आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि ट्रैक थोड़ा लंबा है और स्टीप है। साथ ही साथ में अगर आपको स्टे का ऑप्शन मिल जा रहा था वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज उससे आप जो पीक है वहाँ टाइम पे पहुँच पाओगे सुबह मॉर्निंग और व्यू अच्छे से देख पाओगे, बिकॉज दिन में जो है ना क्लाउड्स वगैरह लगते हैं, उतना अच्छा व्यू आता नहीं है पंचाचुली का। तो फिलहाल मैं अभी सील का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और सील आ जाता है फिर मैं यहाँ से आगे की ओर बढ़ता हूँ। बस यही है यार, बाकी नेचर ट्रैकिंग तो आपको पता ही है, नेचर के साथ बड़ा मज़ा आता है। और थोड़ा सा मैं हाँफ भी गया हूँ कि स्टीप है और साथ में ना आप देखोगे ना कहीं बोझा लेके चल रहा हूँ, कहते खच्चर हो रहा हूँ। ठीक है, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम कैंपिंग कर रहे होते तो कैंप का सामान भी होता तो ये जो अभी वेट दिख रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता, तो ये बात तो है। अगर आप ट्रैकर हो तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और अपने इसी से अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है एक्चुअली। तो इसी बात को लेके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं फिर, है ना। सो गाइस, चलते चलते हमको यहाँ पे और सारे ट्रैकर मिल गए हैं, कुछ लड़कियाँ आई हुई हैं पिथौरागढ़ की। हाय गाइस, से हाय। तो ये लोग भी हमें लगा कि वापसी में आ रहे हैं, लेकिन ये लोग चल रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो हम रास्ता बता दे अरे मुझे तो लगा ये लोग आ रहे हैं, हम नहीं, मुझे लगा हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पे चहल पहल हो रही है। बट एनीवे, तो अभी 7 मिनट ज्वाइन कर लिया इन्होंने, अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा ही रह गया है और वहाँ जाके फिर सनसेट का आनंद लेते हैं। हाय, माय नेम इज भारती फ्रॉम पिथौरागढ़। हेलो, माय नेम इज प्रतिभा फ्रॉम पिथौरागढ़। और हे, व्हाट्स योर नेम? हाय, आई एम शोभा। कूल। एंड तो आप लोग ट्रैक करते रहते हो या फिर ये फर्स्ट ट्रैक है? सो गाइस, अप्रोक्स 2 घंटे चलने के बाद हम लोग TRC फाइनली पहुंच गए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देखेंगे वो है TRC। तो एक रास्ता यहाँ से TRC को कटता है ये वाला, और ये रास्ता शायद खलिया टॉप ट्रैक के लिए जा रहा है। जो लोग कंटिन्यू ट्रैक करते हैं यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ से हम TRC की ओर जा रहे हैं। तो सील भाई, अभी तक यहाँ तक का तुम्हें कैसा अनुभव रहा? खैर, आपने तो काफ़ी ट्रैक किए हैं सील भाई। काफ़ी अच्छा ट्रैक है और काफ़ी टफ है। टफ तो नहीं बोलेंगे, टफ मैं इन द सेंस इसलिए बोलूंगा, चढ़ाई है थोड़ी सी बस। हाँ, खड़ा है, जिगजैग है, खड़े में थोड़ा स्टीप है, एलिवेशन स्टीप है इसका। हाँ, नहीं तो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी आदत है ना तो आराम से हो जाएगा। कोई नहीं, आराम से हो, बट टाइम लेके आओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाओ, धीरे 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 करके हो जाता है। हाँ। मतलब अभी फाइनल पहुंच गए, वहाँ जाके थोड़ा रहने की व्यवस्था पता कर लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और टेंट वेंट अगर होगा तो टेंट वेंट ले लेंगे, अगर वो होगा तो वैसे कर लेंगे, जैसा मिल जाए वैसा कर लेंगे भाई, सस्ते का जुगाड़। और आपको मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा यहाँ देने का, सस्ता जुगाड़ क्या हो सकता है। और अभी चलते, चलो देखते हैं फिर सीधे ऊपर ही चलते हैं। सबसे बड़ी बात इस ट्रैक की क्या, इसमें हमें गाइड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेल्स है वो पूरी क्लियर दिखती हैं, तो आपको गाइड लेने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई लोग आपको बोलते हैं जैसे कैंप बुक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो बार्गेनिंग तगड़ी करना, क्योंकि 2000-2500 अंधाधुंध रेट बोलेंगे एक, मतलब सीजन के हिसाब से तो देखो रेट ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन फिर भी बार्गेनिंग करना। हमको जो लास्ट रेट उसने बताया था 1200 पर हेड बता दिया था एक रात का, लंच नहीं सॉरी डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ। बट अगर हम TRC से लेते हैं तो TRC हमको 900 रुपये का पड़ेगा 2 लोगों को, है ना, और साथ में खाना पीना ज़्यादा से ज़्यादा 500 का हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो भी हमें और सस्ता पड़ने वाला है। फिर भी एक बार जाकर बात करते हैं आगे। और लाइट के यहाँ पे ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, इन्वर्टर रहता है, वो 1.5 घंटे का बैकअप रहता है। प्लस यहाँ पे कई सारी कैंप साइट अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो कैंप साइट में भी बुकिंग कर सकते हो। बट कंपैरेटिवली कैंप साइट जो है थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बट TRC में बुकिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी तो हम बिल्कुल ऑफ सीजन में आए हैं, मतलब ऑफ सीजन के सीजन से स्टार्ट ही हुआ है, तो इसलिए हमें अवेलेबिलिटी मिल जा रही है यहाँ पे। सो गाइस, हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग अभी रूम ले लेंगे, बिकॉज रूम और टेंट में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, 100-200 का फर्क है। तो थिंग इज़ कि हमें अर्ली मॉर्निंग ट्रैक के लिए निकलना है, तो हम चाह रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग वॉशरूम अपने कमरे के साथ हो, और कुछ क्योंकि रात को ठंड भी बहुत होगी और बारिश वारिश होगी तो दिक्कत हो सकती है। तो ये है TRC का रूम जो ऊपर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही नॉर्मल सा रूम है, बट ठीक है, टेंट से अच्छा, मतलब 4 दीवारी मिल रही है आपको, ठंड से बच रहे हो, कंबल मिल रहा है, सबसे बेस्ट चीज़ ये है। और साथ साथ में कॉमन वॉशरूम नहीं है, आपका सेपरेट प्राइवेट वॉशरूम है, और ऐसे कोरोना के टाइम में तो आपको कॉमन वॉशरूम यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ वैसे ऑप्शन सभी है, आप चाहे तो डोरमेट्री का भी ऑप्शन। हाँ, डोरमेट्री का भी ऑप्शन है, जो कि और भी सस्ता पड़ेगा। ₹250 टाइप से, लेकिन सस्ता है, इससे भी सस्ता है। तो अभी फिलहाल हम अभी सामान वगैरह सेटल कर लेते हैं, कि प्लान ये है कि हम यहाँ से अभी सनसेट देखने जाने वाले हैं, अगर बादल हट गए तो यहाँ से जो बुग्याल है खलिया टॉप का, वहाँ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और वहाँ से शाम तक हम सनसेट वगैरह एंजॉय करेंगे। फिर कल अर्ली मॉर्निंग हम ट्रैक के लिए निकलेंगे 0 पॉइंट के। तो स्टे ट्यून फॉर अमेजिंग वीडियोस। इट्स एन अपहिल टास्क फॉर अस, बट स्टिल समहाउ वी मैनेज टू क्लाइंब अप हियर। सो या, मतलब चल रही है गाड़ी। हाँ। यहाँ पे बहुत ही डेडिकेशन के साथ फोटोग्राफी हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
I know that. No, you can do it. So guys, finally हम लोग पहुंच गए हैं बुग्याल में और जस्ट मेरे सामने है बुग्याल. इतना ज़्यादा नहीं है TRC से. अगर आप आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर आना. बिल्कुल बहुत ही थोड़ा सा है. हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होगा बट आराम से आ गए. मतलब पता भी नहीं चला हम लोग पहुंच गए और यहाँ से एक अमेजिंग व्यू दिख रहा है. अभी चलते हैं वहाँ पे बुग्याल में, फिर आपको व्यू भी दिखाते हैं. वाओ नाइस. हमें लगा था कि बुग्याल आ गया है बट एक छोटा सा एक ओपन एरिया है यहाँ पे. बुग्याल नहीं है, बुग्याल यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है जैसा कि आप पीछे देख रहे हो. ये दो मोड़ों के बाद है बट स्टिल यहाँ से भी अगर आप आते हो, यहाँ तक भी आते हो ना, यहाँ से एक अमेजिंग 360 व्यू आ रहा है. बहुत ही अमेजिंग लग रहा है सीरियसली. सो गाइस, आपने सुना होगा यहाँ पर डमरू पत्थर के बारे में कि ये बुग्याल के पास पड़ता है. तो यही है वो डमरू पत्थर जिसके ऊपर लोग चढ़ के फोटो खिंचाते हैं. बट हालांकि चढ़ना बड़ा टफ लग रहा है तो रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है. लाइफ का रिस्क कौन लेगा. बट स्टिल यही बिल्कुल बुग्याल से पहले एक्चुअली है जो मैं ओपन एरिया बता रहा हूँ ना, वहीं पे पड़ता है सामने डमरू पत्थर. यहाँ से भी एक 360 व्यू आ रहा है बहुत अमेजिंग. ये देखो, और ये रहा अपना पंचाचली पीक. सो गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया था. हम लोग अभी बुग्याल नहीं गए बिकॉज जो ओपन एरिया था यहीं पे इतनी ज़्यादा फोटोज़ हमने खींचने लग गए थे कि हम लोग ऊपर जाना ही भूल गए. और हमने यहाँ बहुत सारी फोटोज़ खींची हैं और यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया और मेडिटेशन किया और व्यू का आनंद लिया जो आपने देखा. और साथ ही साथ में अभी यहाँ पे हमने प्लान किया कि आप थोड़ा देर और स्पेंड करेंगे. जैसे ही हल्का हल्का अंधेरा होगा तो हम लोग वापस TRC की तरफ चले जाएंगे. तो यहाँ से हम सब वापस TRC जाएंगे. वहाँ पे बॉनफायर का देखते हैं प्लान किया है. बॉनफायर करेंगे और फिर डिनर वनर करके सो जाएंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम ट्रैक के लिए निकलेंगे. बॉनफायर के बाद हम लोग आ गए डिनर करने के लिए बिकॉज हमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैक के लिए उठना है. तो डिनर में यहाँ पर है मिक्स वेज और दाल और रोटी. मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है खाना यहाँ पे. सो बेसिकली जैसे कि आप देखोगे मिक्स वेज, दाल और रोटी है. हालांकि इतने ऊपर पहाड़ में इतनी हाइट पे अगर ये भी मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है. गरम गरम खाना है ना, और गरम पानी मिल जाए. तो बस यही है, फटाफट खा के हम लोग सो जाएंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे. तो मैं आपको सीधे मिलता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे. पक्का ध्यान से उठ जाना. बाय. हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. सो अभी तकरीबन तो भाई देख लो, लोंडे फुल जोश में है. कौन आया? वो है ना.